है। बाकी पहले ना यहाँ खूब सारा पानी आता था, अब ना यहाँ पे पानी। तो देखो यहाँ पे ना अभी हम लोग खा रहे हैं दोस्तों माल्टा। हाँ तो यहाँ पे ना हम लोगों ने पाइप लगा रखा था। तो ये देखो ये इसके पीठ में बैठा है और मेरे पाँव पे ना। चलिए जी दोस्तों करते हैं एक नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण नेगी और हमारे गांव का नाम है कुणखेत। तो आजकल मैं हूँ अपने मायके में। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। सुबह से बड़ी मुश्किल से काम निपटाने के बाद ना अभी जाके मेरे को टाइम मिल रहा है व्लॉग बनाने का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हमारे घर पे कुछ काम चल रहा है, मतलब हमारा यहाँ पे कुछ काम चल रहा है अभी। तो मैं ना सुबह उठ गई थी, सुबह उठ के मैंने खाना पीना बनाया क्योंकि मम्मी लोग गए थे घास लेने के लिए। तो मैंने खाना वगैरह बनाया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से ना दोस्तों यहाँ पे आजकल पानी नहीं आ रहा है। तो मैंने कपड़े धोए अपने भाई के, मितांश के, मम्मी के, सबके कपड़े धो के अभी 10 बजे जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो अभी मुझे जाना है मम्मी लोगों के साथ काम करने के लिए। पहले ना यहाँ खूब सारा पानी आता था, अब ना यहाँ पे पानी। मौसम देखो बिल्कुल ख़राब हो गया है, ऊपर की साइड से देखो घना घोर बादल आ गए हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। बाकी मितांश क्या कर रहा है इधर? तो इधर साइड को चल रहा है हमारा कुछ काम और मितांश देखो ऊपर जा रखा है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे चल रहा है काम और सब लोग लगे हुए हैं काम करने पर। मितांश क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये अभी ना मैं भी जाऊंगी मम्मी उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे भी क्या ही करना और खाना बनाने का टाइम भी नहीं हुआ है क्योंकि 10 ही बज रहे हैं। तो चलो फिर करते हैं उनके साथ थोड़ा सा काम। बाकी भाई गया है आज मार्केट क्योंकि उसका कुछ काम है। तो चलो दोस्तों आपको बाद में मिलते हैं, क्योंकि कब से ना दादी आवाज़ लगा रही है कि आ जा करके, क्योंकि दादी को ना कुछ और काम करना है तो मुझे जाना है वहाँ पर। अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है देखो टी ब्रेक, तो अभी हम लोग पियेंगे दोस्तों यहाँ पे चाय। तो यहाँ पे खाया जा रहा है अभी माल्टा, देखो का सोना, ये खट्टे हो रहे होंगे क्योंकि ये पके नहीं है ढंग से। ये देखो, तो देखो यहाँ पे ना अभी हम लोग खा रहे हैं दोस्तों माल्टा। यहाँ पे एक माल्टे का पेड़ कैसा हो रहा? खट्टा खट्टा हो रहा क्योंकि ये ना ठंड वाली जगह पे है तो इसके संतरे खट्टे हो रहे हैं। और मितांश को देखो यहाँ पे मार खाल मिनियन ना। ठीक है, ये हमारी लेबर पार्टी और मैं भी हूँ इसमें शामिल। बोलो क्या बोल रहे हो आप? तो मितांश बोल रहा है मेरी वीडियो भी बनाओ। क्या बना वीडियो बनानी है? हैं क्या कर रहे हो? अरे वे सेकंड को चढ़ने जी दो चल अब बंद कैमरा अच्छा दर बैठा हो कैमरा बंद है ही। अरे कैमरा बंद है जी अगले तो दोस्तों ये देखो हम लेबर लोग सब लगे हुए हैं अभी मिट्टी फेंकने पे। बाकी देखो धूप जाने वाली है, सूर्यास्त पहाड़ी मस्त। तो दोस्तों अभी देखो सूर्यास्त भी हो चुका है। बाकी अभी मैं और मितांश जाएंगे भैंसों को पानी पिलाने के लिए। बाकी ना सब लोग काम कर रहे हैं तो मैं और मितांश पिलाएंगे भैंसों को पानी। और मितांश को देखो यार, मितांश ना नानी के गांव में कितना ज़्यादा काम कर रहा है। तो मितांश अभी यहाँ पे भर रहा है भैंस के लिए पानी। क्या कर रहे हो आप? हाँ तो यहाँ पे ना हम लोगों ने पाइप लगा रखा मूली के पत्ते और इधर साइड को है राई के पत्ते। तो देखो मौसम भी घना घोर और ठंडा यहाँ पे इतना ज़्यादा हो रहा है ना। ये भर गया, इसको लगाओ। तो ये देखो
यह मितांस यहाँ पे पानी भर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा किसान बच्चा है, है ना, है ना, बहुत ज़्यादा किसान बच्चा। ये देखो जी। तो दोस्तों अभी देखिए उधर साइड को ना, हमने अपने बैल खोले रहते हैं जंगल की साइड को, तो अभी हमारे बैल नहीं आए। अभी दादी लोगों के बैल आए हैं, तो हमारे बैलों को लेने पता नहीं कौन जाएगा। मैंने सोचा मैं जाऊंगी, पर दादी मना कर रही है। और यहाँ पे देखो हमारे कितने ज़्यादा संतरे। और ये देखो मितांस की, मितांस ने ना यहाँ पे अपने जूते भी भिगा दिए और पूरी पानी की बाल्टी गिरा दी। चल इधर आ जा। ये देखो क्यों गिराया पानी, क्यों गिराया, मैं खाचू क्यों, क्यों गिराया बता मेरे को। खुद को तो देखो ये यहाँ चले गया है और मेरे को बोल रहा है आ इधर। और पानी अभी ना हमने यहाँ पे, कल तक तो ना दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था, और आज ना फुल पानी आ रहा। देखो ये आ गया, क्या हुआ, इसकी शैतानियाँ ना कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये देखो भैंस के पीठ में बैठा हुआ है। तो ये देखो ये इसके पीठ में बैठा है और मेरे पाँव पे ना इस पत्थर से, मैं इसकी वीडियो बनाने आ रही थी। बाकी दो बाल्टी तो इस भैंस ने ऐसा पी लिया ना पानी जैसे कि क्या ही होगा। ये देखो और दो बाल्टी और पिएगा, ये इतना बड़ा भैंस है। देखो हट, ये भैंस ना दोस्तों मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी शक्ल सूरत देखो यार कैसी है, बिल्कुल एकदम डरावनी सी। और पहले जो हमारा भैंस था ना वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। और ये हमारी बुद्धि वाली माता है, ये थोड़ी बूढ़ी भैंस है। और ये देखो ये अरे तेरे को मारेगा वो, ये देखो ये ना बच्चों को भी मारता है शायद, पर मितांस को डर नहीं लगता। तो दोस्तों यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ठंड से ना मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। बाकी मौसम ना ऐसा बन रखा है यहाँ पे जैसे कि कितनी ज़्यादा बारिश आने वाली होगी। और यहाँ पे ना शादी भी है कल और परसों को। तो चलिए जी दोस्तों इस वीडियो को ना इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।